आपने सबसे ज्यादा जब आंटरप्रन का आगाज किया था गुफ्तु का तो उसमें आपने देखा था कि मैंने एक लफ्स बोला कि किसकी आइडिया या साइकोलॉजी या अपनी थिंकिंग या इनिशियटिव से नहीं बनता बल्कि उसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम पेशेंस कहते हैं आसानी से इसको पेशेंस कहते हैं लेकिन इसकी आम तौर पे बैरिंग कैपेसिटी होती है कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि आपने इलास्टिक को गौर से देखें तो जब हम उसको इलास्टिसिटी को मूव करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बैरिंग कैपेसिटी है फिर अगर आपने देखा होगा कि अगर आप तीर को कमान के अंदर रखते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी डिटर्मन करती है कि तीर कितनी दूर तक जाएगा सो तो जितनी बैरिंग कैपेसिटी आपके अंदर होगी उतना ही ज्यादा आप मार्क कर सकते हैं चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे आपकी अचीवमेंट हो चाहे आपका रिवॉर्ड हो अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस थेरी में भी की गई वो ये के इसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता एंटरप्रेन्योर अपने आने वाले प्रॉफिट को रिवॉर्ड कहता है वो इसको प्रॉफिट कभी नहीं कहता और रिवॉर्ड की बहुत सारी शक्लें फॉर एग्जाम्पल बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तकरीबन पांच परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट का प्रॉफिट आया लेकिन मैंने उसको नब्बे को अपने बाकी लोगों में तकसीम कर दिया और कुछ कुछ और बियर करने वाला हूं मैं और बियर कर रहा हूं मैं फौरी तौर पर तो उस प्रॉफिट से जो मैं लग्जरीज खरीदूंगा वो नहीं खरीदूंगा बल्कि बियर करके मैं इसको और मजीद आगे लेके जाऊंगा इसका मतलब यह है कि मैंने ओवरऑल एक चेंज को पोटेंट कर दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो थेरी ऑफ ये अनसर्टनिटी है या बेरिंग थेरी है ये आगे कैसे बढ़ती है यहां पे अगर आप देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट बाय जो होती है वो सेग्रीगेशन ऑफ रिस्क है फिर इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल के ऊपर बात होती है इंश्योरेबल है क्या इंपॉर्टेंट बात इंश्योरेबल क्या है इसको नाइट ने क्लासिफाइड किया कि एंटरप्रेन्योरियल प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड ऑफ बीइंग अनफोरसीनेबल रिस्क देखेंग एन अन दो को समझते हैं एक चीज है जो कि नोन है फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए तीस लाख और एक लाख के ऊपर मुझे सात परसेंट मिलता है या चौदह परसेंट मिलता है अच्छा जी मुझे इसके ऊपर कंफर्म है कि इतना मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा मैं दूसरी बहस पर नहीं जाता लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं किसी और बिजनेस में आपने पैसा डाला आपने दो करोड़ डाला इनपुट अमाउंट छे महीने आपने उसका बनाया आपने सर्टन स्टार्ट से सर्टन एंड अगर देखा तो आपको पता चला कि इतना हमारा जो है वो मार्जिन निकल आएगा अब उसमें ब्रेक ब्रेक इवन इवन के अंदर आपने इतना टाइम लगा लिया कि महीने में break -even है और उसके बाद इतना प्रॉफिट हम आन कर लेंगे ये एक सिंप्लीफाइड मैनेजेरियल अप्रोच है जिसके अंदर आप प्रॉफिट को अर्न करते हैं इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं फिर इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट कह सकते हैं और कंपोज करके अगर इसको मैं कहूं तो इसको मैनेजमेंट कह सकते लेकिन आंट्रप्रोरशिप इससे अलग चलता है और यहाँ पर नाइट्स कहते हैं और इनकी थेरी को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है वो ये कि इसको अनसीन और अननोन और नॉलेज ऑफ नोन और, और, और अननोन को लेते हैं एक अननोन चीज़ है और आपने उसके अंदर एक चीज़ तलाश कर ली फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आपको तलाश बताऊंगा पाकिस्तान की एग्जाम्पल लोग कम देते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स को ज़्यादा पेश करूं असदुद्दीन हाशवानी साहब की एग्जाम्पल लेते हैं उन्होंने जिस दिन दफ़ा एक दफ़ा एक पहाड़ के अंदर उन्होंने जगह देखी उस जगह के अंदर उन्होंने देखा कि मैं इसको ख़रीदने लगाऊँ और इसके ऊपर से सड़क अगर आ जाए तो अच्छा होगा उन्होंने सड़क पर मेहनत कर दी कि यही वहां तक सड़क चली जाए और वो कौड़ियों के भाव जो है आप यानी समझ लें कि उस ज़माने का कुछ भी वो अमाउंट नहीं बनता लेकिन वहां पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उस स्ट्रक्चर पर जिस वक्त वो खड़ा कर रहे थे और वो छोटे जो इन्वेस्टमेंट वो उन्होंने उस जमाने में की थी तो लोगों ने उनका मजाक किया उन्होंने कहा कि ये पहाड़ों के अंदर जाकर सड़क तक लेके जा रहे हैं ये कहां पे बनेगा लेकिन जब वो स्ट्रक्चर बन गया और आपके सामने पीसी भूरबन के नाम से आया तो लोगों को समझ आ गया कि वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था उनका वो रिवॉर्ड था जो आप प्रॉफिट वो आ रहा है वो उनका रिवॉर्ड है और वो जो रिवॉर्ड कमाने वाला है वो भी होता है वो आगे पैसा बांटता भी है अगर वो आ, बिल गेट्स है फिर उसके बाद मिलिंडा बेल्ट आपने फाउंडेशन भी सुनी होगी और बड़ी बड़ी वैक्सीनेशन के अंदर वो इनपुट भी दे रहे होंगे और ह्यूमैनिटी का भी काम कर रहे होंगे तो आपने ये देखा कि उस जमाने में किसी को पता नहीं था कि ये अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं सदरुद्दीन हाशवानी और लेकिन बाद में जब एक पूरी लाइन इश्तियार हुई तो होटल बिल्डिंग्स का एक अंबार खड़ा हो गया आगे चलते हैं फिर वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ अ डायनामिक दैट एंटरप्रेन्योर इकॉनमीट अ लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर बीइंग दिस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो बिगनिंग ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ज द रियल प्रॉब्लम इन द नाइट केस सीज डायरेक्शन रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टेनिटी बैरिंग एंड प्रॉफिट अब मैं दोबारा से इसको आपको फंक्शन uh, इक्वेजन uh, में लेके आने लगा हूं आप इसका वेरिएबल नंबर वन पहला आप इसको अनसर्टेनिटी कीजिए दूसरा वो ये कहते हैं बेरिंग और तीसरा है प्रॉफिट प्रॉफिट के अंदर या तो बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम आ सकता है जिसके अंदर रिस्क नाइट ये कहते हैं जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा और वो कहते हैं कि जिसके अंदर रिस्क कम कम होगा होगा उसका प्रॉफिट भी बहुत होगा। ये ये सर्टन बात बात नहीं है ये वो बात है जिसके वो जिसके ऊपर वो कैपेसिटी की बात करें। या तो बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है एक नया आइडिया है या तो डबल में चल जाएगा या वो फ्लॉप हो जाएगा इन दोनों के अंदर एक कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आ, आ, बड़ी में नहीं लेके जाना चाहता लेकिन अगर आप इसको देखें कि हम अनफोसिनेबल uh, रिस्क के ऊपर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दिसंबर से लेकर जनवरी या जनवरी मिड के अंदर एक सर्दी का वेव आता है आमतौर पर ये माइनस में नहीं जाती लेकिन पिछले uh, कुछ अरसे में देखा गया कि बाजुकात माइनस टू तक जाती थी लाहौर में भी जाती थी अच्छा बड़ी जैकेट्स आना शुरू हो गई उस जमाने में वो सीजनल फैक्टर को देखते हुए किसी एक आदमी ने बहुत बड़ी लॉट्स उठाई और उस जमाने में जब वो 10 से 15-20 दिन का पैच सर्दी का पड़ा उसमें उसका पूरा माल निकल गया वो उसको प्रॉफिट दे गया लेकिन है तो हाई रिस्क अब इसके अंदर प्लानिंग उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इंट्यूशन ज्यादा इन्वॉल्व है वो अनफोर्सनेबिलिटी है और एक उसकी बैरिंग है कि अगर वो माल फ्लॉप हो जाता है फिर भी वो जिंदा रह सकता है फिर भी वो चल सकता है फिर भी वो खुदकुशी तो नहीं करने चला जाएगा सो द पॉइंट इज कि बैरिंग कैपेसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वो कहते हैं एक है कंपेटिटिव रिस्क जिस कंपेटिटिव रिस्क के ऊपर हम बात करते हैं कि इनविटेबली लोअर डाउन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जिसकी मैंने अभी बात की दूसरी वो बात करते हैं टेक्निकल रिस्क मैंने जैसे सीजनल फैक्टर की बात की सीजनल फैक्टर से अगर मैं जैसे ही थोड़ा सा डिटैच होऊंगा या चेंज होऊंगा क्या आइडिया चेंज होता है सीजन अगर फॉर एग्जांपल अगला दस दिन या बीस दिन मुझे पता है और अगर मेरी नजर भी है थोड़ा साइंटिफिक भी हो गया हूँ और मुझे पता है थोड़ा वेव आ जाएगी और मैं इससे पहले जैकेट्स वगैरह का इंतजाम कर दूसरा फॉर एग्जाम्पल डेंगी का सेशन आता है सीजन आ जाता है डेंगी का सीजन आ जाता है लोग जो मार्केट के अंदर मच्छरों से रिलेटेड उनको मारने से रिलेटेड उनके नेट्स वगैरह बच्चों के लिए स्प्रेज और बहुत सारी चीजें जब मार्केट में आती तो लोग उसका पहले प्लान कर लेते हैं एक है, प्लानिंग मसल जिस जमाने में मैंने आपको बताया कि फाइव स्टार या सेवन स्टार्स का रिवाज नहीं था पाकिस्तान में उन्होंने इनिशिएट तब किया लेकिन आप जब रिवाज हो गया तो उसके बेशुमार हर शहर में उनके ब्रांचेस डालने पड़ गए तो टेक्निकल रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व यह होता है कि वो कहते हैं द द एग्जिस्टिंग नॉट बी इन टू अडॉप्ट चैलेंजेस इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड सफर तो टेक्निकल रिस्क जो है वो आपको बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं अब मैं तेजी से अनफोर्सिनेबिलिटी के आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ पोलिटिकल इकोनॉमिक सोशो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब वो चेंज हो जाएंगे तो आपकी गवर्नमेंटल इंटरवेंशन बढ़ती जाएंगी फिर उसके बाद साइक्ल रिस्क आ जाते हैं वो रिस्क आपको यानी रिसेशन आ गया ग्रेट रिसेशन आ गया डॉलर की कीमत के अंदर चेंजेस आ गई या इन्फ्लेशन के अंदर मार्क्स में तब्दीली आ गई या जो डेट का बैलेंस रेट है वो उसके अंदर आपने फर्क डाल दिया और उसके अंदर प्राइस में तब्दीली आ गई तो ये प्रॉब्लम डाल सकती है नाइट so, के मुताबिक जो है आपके जो रिस्क सर्टेनिटी है उसमें हाई रिस्क का मतलब हाई प्रॉफिट्स है और लो रिस्क का मतलब लोअर प्रॉफिट्स हैं अब इस चीज के बारे में हम क्लैरिटी के साथ यहां पहुंच चुके हैं कि प्रॉफिट्स आर इंपॉर्टेंट विद एंटरप्रेन्योरियल आइडिया सी यू इन मॉड्यूल सिक्स राइट देयर